ऐतिहासिक बाबा भूतनाथ मंदिर में दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं को महादेव के नए स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं और श्रद्धालु भी महादेव के नए स्वरूपों के दर्शन कर फलीभूत हो रहे हैं। बाबा भूतनाथ मंदिर के महंत देवानंद सरस्वती ने बताया कि जगड़ेश्वर मंदिर की स्थापना से लेकर अब तक बिना झगड़े के मंदिर में कोई भी आयोजन नहीं होता है, लेकिन कुछ पल के बाद ही बाबा सब कुछ ठीक कर देते हैं। झगड़ा शांत करने के लिए लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और मंदिर में दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्होंने कहा कि जिन श्रद्धालुओं के झगड़े चले हुए हैं वे आज मंदिर में आकर झगड़ेश्वर महादेव के दर्शन करें और उनके चले हुए झगड़े समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि राजा बाजार के डेग वाली गली में स्थित झगड़ेश्वर महादेव की स्थापना कब हुई इसके बारे में तो किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये मंदिर सदियों पुराना है। 1938 में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। मान्यता है कि झगड़ेश्वर महादेव के दर्शन करने से झगड़ा शांत हो जाता है। आज बाबा भूतनाथ महादेव जी का जो श्रृंगार बना रहा हूँ मैं, वो झगड़ेश्वर महादेव लखनऊ के स्वरूप में कर रहे हैं। जो भगवान झगड़ेश्वर भोले बाबा झगड़ा करवाते भी हैं और झगड़ा सॉल्व भी करवाते हैं। तो जो भी झगड़े करने और कराने वाले भक्त हैं वो बाबा को शरणागत हैं, तो उनके सारे के झगड़े शांत भी करते हैं और झगड़े करवा भी देते हैं। तो ऐसा स्वरूप आज बाबा भूतनाथ जी का किया जा रहा है, जिससे भूतनाथ जी का तो आशीर्वाद सभी भक्तों को प्राप्त होगा पर झगड़ेश्वर महादेव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये आज स्पेशल जो है सॉरी कार्यक्रम है आज का जो है श्रृंगार बाबा भूतनाथ जी का, क्यों झगड़ेश्वर बाबा को इसलिए लाया हूँ कि हमारे भूतनाथ बाबा के भी झगड़े चल रहे हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए लाया हूँ। इसी प्रकार सभी भक्तों को भी आशीर्वाद देंगे बाबा कि जिसके जो भी कलह कलेश हैं उन सबको दूर करेंगे। जय शंकर। झगड़ेश्वर महादेव मंदिर लखनऊ में स्थित है। जय हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए मंडी से धर्मचंद वर्मा। श्री राधा कृष्ण मंदिर कोटला कलां जिला ऊना में परम पूजनीय राष्ट्रीय संत बाबा बाल जी महाराज के सानिध्य में विराट वार्षिक महाकुंभ, श्रीमद् भागवत कथा, गीता प्रवचन, संत सम्मेलन एवं भजन संकीर्तन 1 से 13 फरवरी सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक करवाया जा रहा है। वहीं भव्य शोभा यात्रा का आयोजन 4 फरवरी को किया जाएगा। श्री भक्तमाल कथा श्री गौरदास जी महाराज द्वारा 1 से 6 फरवरी तक प्रातः 11 बजे से, वहीं श्री हाउ बिलाव जी महाराज वृंदावन वाले 6 फरवरी को प्रातः 11 बजे भजन संकीर्तन करेंगे। गीता प्रवचन श्री ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा 7 से 9 फरवरी तक प्रातः 11 बजे, श्रीमद् भागवत कथा स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी द्वारा 7 से 13 फरवरी दोपहर 12 बजे से शुरू की जाएगी। आप सभी इस विराट वार्षिक महाकुंभ में सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम का आयोजन कोविड नियमों के तहत किया जा रहा है।